हरे कृष्ण हरे बोल। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर ब्रह्मानंद जी। ओम अज्ञानित विराम दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर नमिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों का बल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों समझ में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को जता जी को प्रणाम। हम लोग आज कथा सुनेंगे, एक ग्रंथ उसका नाम है माधुर्य काव्य। यदि ग्रंथों को जो रचयिता जिसने लिखा है उनका नाम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। यदि चक्रवर्ती मतलब क्या है, हम कहते ना कि चक्रवर्ती राजा कौन, श्री युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर में जो राजवत कर रहे, इसलिए कहते कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो उसी समय में कि जो महात्मा जी थे संपूर्ण विश्व में ये सर्वश्रेष्ठ ये साधु थे, इनके जैसे कोई साधु जगत में था। कहते ये कौन है, कहते श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु का परिकर में एक श्री थे रूप गोस्वामी। नाम सुने हो इनके, कौन कौन नाम सुने हो, सुने हो कौन? कहते श्री रूप गोस्वामी कौन है, कहते श्री राधा रानी की अत्यंत अत्यंत एक प्रिय सहचर श्री रूपमंजरी। तो रूपमंजरी कहती है कृष्ण महाप्रभु लीला में श्री रूप गोस्वामी बन करके आए। कहते रूप का मतलब क्या, ये रूप नाम किसने दिया, बोले श्रीमान महाप्रभु इनको रूप गोस्वामी नाम दिया। और ये दो भाई थे, एक रूप गोस्वामी और एक श्री सनातन गोस्वामी, ये दो भाई थे है? इसलिए महाप्रभु ने इनका नाम रूप और सनातन नाम रखा है। कहते रूप का मतलब क्या है, कहते ये सबका रूप है, राधा जी की भी रूप है, कृष्ण का भी रूप है, सखियों का भी रूप है, सबका ये रूप है। इसलिए इनके लिए बताए प्रिय स्वरूप है, दैव स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सहजादि रूप है, तथा रूप है, सोबिलास रूप है। कहते इनके लिए तो रूप का झड़ी लगा दिया है, इसलिए भगवान की रूप है, हैं भक्तों का रूप है, उनकी प्रेम भक्ति विस्तार करने में रूप रूप ये सबका रूप है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इनका नाम रूप दिया। और इन्होंने क्या किया, कहते श्री चैतन्य मनोभिष्ट स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम तदाति स्वपदान्ति। कहते श्रीमान महाप्रभु को जो इच्छा है, महाप्रभु इस जगत में जिस काम के लिए आए थे, कहते उनकी इच्छाओं को ये पूर्ण रूप में उनकी इच्छाओं को पूरी की। अगर ये नहीं होते है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, क्या देना चाहते हैं, महाप्रभु का क्या विशेषत्व है,
तब ये दुनिया में हमें पता ही नहीं चलता। इन्होंने आकर के महाप्रभु की इच्छा को उन्होंने प्रकाशित किया। अब धीरे धीरे चरित्र को जब आएगा आप लोग सुनते रहोगे धीरे धीरे, कहते यही रूप गोस्वामी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ रचना है। इन्होंने ललित माधव विदग्ध माधव ग्रंथों को भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि पद्यावली अद्भुत अद्भुत उन्होंने ग्रंथों के लिखे। पर वही रूप गोस्वामी फिर उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में आते हैं और आकर के जो ग्रंथों को उन्होंने बहुत बड़े बड़े रूप में लिखे थे, जैसे श्री भक्ति रसामृत सिंधु बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन दोबारा आकर के उन्होंने देखा पता नहीं कि कलयुग का जीव के समय है सब काम के लिए तो समय निकालेंगे, भक्ति के लिए कोई समय नहीं निकालेंगे, इसलिए उन्होंने उसको एक छोटा ग्रंथ बना दिया, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु छोटी बना दिया। एक उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ लिखे थे, फिर उन्होंने उज्ज्वल निर्मणि किरण बनाए के छोटा ग्रंथ बना दिया, फिर उन्होंने लघु भागवता ग्रंथ लिखे थे, फिर उन्होंने उसको आकर के फिर एक छोटा ग्रंथ बना दिया। इसलिए उन्होंने दो बार जगत में आकर के महाप्रभु की इच्छा को उन्होंने प्रकाशित किया और बड़ी सुंदर सुंदर कहते भागवत को अगर अच्छे तरह से समझना चाहोगे, कहते जब तक आप इनकी टीका नहीं पढ़ोगे ना भागवत को पूर्ण रूप में समझ नहीं पाओगे, जब तक इनके टीका पढ़ोगे जाकर के भागवत का रहस्य में जाकर के प्रवेश करोगे। इसलिए इन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन करके आए और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन्हीं ग्रंथों में इनकी एक ग्रंथ है जिसका नाम माधुर्य कादंबिनी। क्या ग्रंथ का नाम? माधुर्य कादंबिनी। बल इसका मतलब क्या है आज केवल इसकी इसका मतलब क्या है केवल इसी चीज को हम श्रवण करेंगे। इन्होंने ये ग्रंथों को क्यों लिखे है? ये ग्रंथों को क्यों लिखे? कभी कभी आप देखना थोड़ी सी हम भक्ति कर ले ना हरिनाम कर ले, कभी कभी हमारे मन में अभिमान आ जाता है, अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। इसलिए इन्होंने हमारे अंदर में जैसे एक ब्यारोमीटर जानते हो, दूध का अंदर में एक मशीन होता है ब्यारोमीटर, अगर उसको डाल दो ना वो मीटर बता देगा इसमें कितने पानी मिलाया हुआ और इसमें कितना दूध है, वो मीटर बता देगा। कहते ये जो ग्रंथ है ये एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ है, ये ग्रंथों को अगर आप पढ़ लोगे ना तुम्हारी भक्ति कहाँ तक भक्ति गई है ये बता देगा, ये भक्ति बता देगा। अभी बता रहे थे ना तीन तरह का भक्त है, एक कनिष्ठ एक मध्यम और एक उत्तम, ये तीन तरह का भक्त है। बोले कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं? बोले भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन डामाडोल सा भक्त, कभी इच्छा होगा तो हरि नाम कर लेगा, कभी इच्छा नहीं होगा तो माला जहाँ था लग गया, कभी इच्छा होगा तो तिलक लगा लेगा, कभी इच्छा होगा तो तिलक दे, कभी गला से कंठी उतर गई तो उतर गई कंठी नहीं पे, कभी इच्छा होगा तो ठाकुर का आरती करेगा कभी करेगा। कभी ये जो भक्त है ना कभी ये कौन सा भक्त है? कभी ये कनिष्ठ भक्त है। कहते मध्यम भक्त कौन है? मध्यम भक्ति उसको कहते हैं जो अपना भक्ति को रोज सही सही कर ले, टाइम से उठेगा उठ करके अपना तिलक लगाएगा, सबसे पहले क्या करोगे तिलक लगा, कोई काम करने से पहले तिलक लगाए बगैर आप कोई शुभ काम को नहीं कर सकते। हम लोग हिंदू है आपको पता होगा जब ब्राह्मण घर में आता है जब तक आपको वो तिलक नहीं लगाएगा कोई भी पूजा नहीं कर पाएगा, क्यों तिलक के बगैर जितने पूजा से था सबके सब निष्फल, सबके सब ये निष्फल है। इसलिए वैष्णव लोग सबसे पहले हम मंदिर में देखना सबसे पहले वैष्णव लोग स्नान करके सबसे कोई काम करने नहीं करने से पहले ये तिलक सब जगह पर लगाए हैं, तिलक लगा करके आचमन करेगा हाँ गंगे से जब उन्हें चय गोदावरी सरस्वती बोल कर सारे तीर्थ का आह्वान करेगा उसको आचमन करेगा तिलकों को स्थापन करेगा फिर जा गुरु मंत्र जप करेगा है हरिनाम करेगा फिर ठाकुर जी की आरती उतारेगा जा करके ठाकुर जी की आरती करेगा। इसलिए कहते हैं मध्यम भक्त हुए हैं जो अपना भक्ति को अच्छे तरह से कर बढ़िया से नियम पूर्वक हरिनाम करेगा
नियम पूर्वक ठाकुर का सेवा पूजा करेंगे। यदि ये मध्यम भक्त है, यदि उत्तम भक्त किसको कहते हैं, यदि अपना भक्ति तो अच्छे तरह से कर ही लेते हैं और दूसरों को भी भगवान की भक्ति को बाहर में दूसरों को भी बता करके दूसरों को भी भक्ति में लगा देते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और दूसरों को भक्ति भी करा देते हैं। अब एक चीज समझो, जब तक हम स्वयं भक्ति नहीं करते हैं ना, हम दूसरों को भक्ति में नहीं कर सकते। अगर स्वयं हरि नाम नहीं करोगे, दूसरों को बोले मैं माला करो माला करो, वो माला नहीं करेगा, वो माला नहीं करेगा। क्यों? तुम स्वयं हरि नाम नहीं करते हो, भजन तुम नहीं करते हो, फिर दूसरे व्यक्ति तुम्हारी बात को नहीं माने, बोले खुद करता नहीं और हमको बोलता रहता है, हमको बोलता रहता है। इसलिए जब फिर स्वयं करोगे फिर तुम्हारे अंदर में शक्ति आएगी, तुम्हारे अंदर में शक्ति आएगी, फिर तुम्हारी वाणी में भी ताकत आएगी, है। इसलिए पहले क्या करनी चाहिए, अपना भजन को बढ़िया से करो। एक समय कोई एक व्यक्ति था, उसका बेटा बहुत गुड़ खाता था, वो इतने गुड़ खाने लगता, उसको पिताजी ने देखा भैया तो शरीर खराब हो जाएगा, क्योंकि साधु को पास मिलने गए, बोले बाबा बड़ी इनको